ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। आम आदमी की कौन कहे, अब पुलिस वाले के पैसे भी नहीं है सुरक्षित। बेतिया के एएसपी के खाते से 30,000 रुपए गायब हो गए। एएसपी ने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। शहर के एक्सिस बैंक में है एएसपी का खाता। आपको बताते चले कि बेतिया के एएसपी के बैंक खाते से पैसे गायब होने के मामला सामने आया है। एएसपी शिव कुमार का खाता शहर के ही एक्सिस बैंक में था। दरअसल अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में एएसपी को अपने खाते से 30,000 रुपए 3 किस्तों में गायब होने की जानकारी मिली। इस बाबत जब एएसपी ने बैंक से संपर्क साधे तो बैंक ने इस मामले में टालमटोल का रवैया अपनाया। एएसपी को हैरानी उस बात की हुई कि बिना ओटीपी आए ही पैसे कैसे गायब हो गए। बकौल एएसपी, 3 किस्तों में पैसे के कटना बिना बैंक का मिले भगत के हो ही नहीं सकता। इस मामले में पुलिस ने संज्ञान लेते हुए मामले बचत खाता है एक्सिस बैंक में, सुप्रिया रोड की जो स्थित है उसमें ई सी एस ट्रांजेक्शन के द्वारा 3 बार में लगभग 30,000 रुपये निकाला गया है। इसमें खास बात यह है कि ई सी एस ट्रांजेक्शन के लिए हमने किसी को अप्लाई नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बावजूद भी अगर नॉर्मल ओ टी पी का मामला होता तो चल जाता, तो ये ई सी एस ट्रांजेक्शन द्वारा ही बैंक द्वारा कहीं ना कहीं किसी बैंक को चेक करना चाहिए क्या मामला इसका, इसको जाँच करनी चाहिए। और इस संदर्भ में हमने टाउन थाना में FIR दर्ज करा दिया। ECS ट्रांजेक्शन क्या होता है? ECS ट्रांजेक्शन ये होता है कि जिसमें हम अथराइज करते हैं किसी को, कि बैंक को हम लिखित रूप में आवेदन करते हैं, अथराइज करते हैं कि हमारे खाते से इतना ये पर्टिकुलर अमाउंट है उतना हम किसी को हैंड ओवर करें, दें उसको मंथली ट्रांजेक्शन के बेसिस पर। ये है, हालांकि इस तरह के हमने कोई पेपर साइन करके नहीं दिया, इसके बावजूद जिस तरह का ट्रांजेक्शन हुआ है।